पेंशनभोगियों के प्रति सरकार का रवैया उदासीन कांग्रेस। हिमाचल भाजपा सरकार ने प्रदेश के पेंशनभोगियों की समस्याओं के प्रति उदासीनता दिखाई है। पिछले एक वर्ष से इन्हें मनगए भत्ता देने में सरकार नाकाम रही है। सरकार की यह अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विचार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज जारी प्रेस बयान में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखना सरकार का दायित्व होता है, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने दायित्व की पूर्ति नहीं की और पेंशन भोगियों की समस्याओं के प्रति लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना संकट के चलते पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र की आगामी सितंबर माह तक छूट मिलनी चाहिए, यह जायज मांग है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते की किश्तें बंद कर दी है। यह किश्तें वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग की अनदेखी की है और किसी भी स्तर पर किसी भी वर्ग का कोई ख्याल नहीं रखा। किसान, बागवान, मजदूर, बेरोजगार, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग, कर्मचारी वर्ग, होटल व्यवसाय, टैक्सी ऑपरेटर, टैक्सी ड्राइवर, छात्र, युवा, सभी वर्गों की अनेक समस्याएं हैं और यह सभी वर्ग सरकार से अपनी समस्याओं को लेकर वर्षों से लगातार गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने किसी भी वर्ग की समस्याओं के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार संवेदनशीलता दिखाए और लोक कल्याण की मूल भावना का पालन करे ताकि आमजन को लाभ प्राप्त हो सके। से जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा निराकरण हो समस्याओं का, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार ने अभी तक लापरवाही का परिचय देते हुए किसी तरह की कोई भी मांग किसी भी वर्ग की पूरी नहीं की है। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।